हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिपथ एकेडमी। सो देखो बच्चों, आप में से जो भी स्टूडेंट्स आईपीओ काउंसलिंग के रिगार्डिंग सीरियस हैं, आईपीओ के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन सभी को मैंने लास्ट नोटिस के थ्रू ये बताया था कि आईपीओ ने ये कहा था लास्ट नोटिस के थ्रू कि बीटेक का राउंड वन का सीट अलॉटमेंट जो आएगा वो आएगा आपका 21 जून को, लेकिन अभी तक भी अलॉटमेंट नहीं आया है। ऐसे में बच्चे के मन में काफी सारे डाउट तो उत्पन्न हो ही रहे हैं, साथ में ये भी डाउट आ रहा है कि सर सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट कब तक आएगा। सो देखो बच्चों, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, इसके अलावा और भी मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। सो देखो बच्चों, बात कर लेते हैं, छोटी वीडियो होगा, लेकिन बच्चों शॉर्ट में मैं आपको ये बताता हूँ कि चैनल पर अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हो सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि बच्चों आईपीओ के काउंसलिंग के रिगार्डिंग अभी से लेकर के लास्ट तक में फाइनल एडमिशन तक में ए टू जेड वीडियो आ रहा होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा होगा, चाहे आपका नॉर्मल राउंड हो या फिर स्पॉट राउंड हो, ठीक है। सो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं आगे। सो देखो बच्चों, आईपीओ ने लास्ट नोटिस में ये कहा था कि राउंड वन का सीट अलॉटमेंट 21 जून को आ जाएगा, लेकिन बच्चों कोई टाइमिंग नहीं दिया था। लेकिन बच्चों देखो, लास्ट 4 to 5 ईयर से देख रहे हैं कि ये लोग क्या करते हैं कि सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट आता है वो आता है आपका इवनिंग में 8 PM के अप्रोक्स, ठीक है। तो बच्चों यही है कि अभी तक नहीं आया है, बट डोंट वरी, हो सकता है कि ऐसा भी हो कि आज ना निकाल करके ये लोग कल निकाले, लेकिन मुझे अभी यही लग रहा है कि रात के लगभग 8 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में ये लोग अलॉटमेंट दे देंगे, हो सकता है उससे पहले भी दे दें, ठीक है। देखो बच्चों, जैसे ही अलॉटमेंट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है, ये समझ में आ गया है। एक और बात भी है, देखो स्टूडेंट्स, आईपीओ के राउंड वन में आप में से मोस्टली बच्चे को सीट अलॉट नहीं हुआ होगा, बट बच्चों इसका मतलब ये नहीं है कि आगे के राउंड में भी आपको सीट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। देखो बच्चों, राउंड वन का कट ऑफ जो है वो काफी ज्यादा हाई जाता है, ठीक है, इसी के वजह से राउंड वन में आप में से ऐसे बच्चे जिनका रैंक काफी ज्यादा अच्छा होगा उन्हीं को अलॉटमेंट मिलेगा, ठीक है। सो बच्चों परेशान नहीं होना है। और देखो बच्चों, इसके बाद राउंड टू होगा, राउंड टू का अभी तक इन्होंने शेड्यूल को रिलीज नहीं किया है, लेकिन आईपीओ के यानी कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड तीनों ही राउंड में आपके पास फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस में करने का मौका रहता है। सो आप में से ऐसे बच्चे जो कि राउंड वन में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, उनके पास मौका है कि राउंड टू में वो लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड चॉइस में भी कर सकते हैं। और देखो बच्चों, आप में से ऐसे बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं लेकिन चॉइस में नहीं किए हैं, वो भी राउंड टू में चॉइस में कर सकते हैं, बाकी पहले वाले बच्चे ने चॉइस में मॉडिफिकेशन यानी कि एडिट कर सकते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया है। जैसे राउंड टू का शेड्यूल आएगा मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा और मैं आपको ये सारे पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, अभी राउंड वन का अलॉटमेंट आ जाएगा, इसके बाद आपको क्या क्या करना होगा, इसके लिए बच्चों मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, अब सेम पॉइंट को इस वीडियो में भी बात करेंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, उस वीडियो को देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हो, या फिर आईपीओ 2023 का एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वहां से देख लेना। बस शॉर्ट में यही है कि आप में से ऐसे बच्चे जिनको राउंड में सीट नहीं मिला होगा, उन्हें कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली राउंड टू में चले जाएंगे। आप में से ऐसे बच्चे जिनको राउंड वन में सीट मिलेगा, उन सभी को सबसे पहले सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होगा, ये अमाउंट है 40,000 रुपीज, ये वन टाइम पेमेंट होता है, फर्दर अगर आपका सीट अपग्रेड होगा तो आपको फिर से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, और साथ में ये अमाउंट रिफंडेबल भी होता है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया है। और देखो बच्चों, फी पे करने के बाद आप सभी को विलिंगनेस सबमिट करना होता है, उसमें फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन आता है, ठीक है, आप में से मोस्टली बच्चे को फ्लोट ही करना है, क्योंकि बच्चों फ्रीज का मतलब ये है कि जो भी सीट आपको मिला हुआ है उससे आप लोग फुली सेटिस्फाई हो, आप लोग उसी में एडमिशन लेना चाहते हो और फर्दर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, ठीक है। और फ्लोट का मतलब ये है कि जो सीट मिला हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग राउंड टू में जाना चाहते हो, राउंड टू में अगर नया सीट नहीं मिलेगा तो पहले वाला सीट आपका रिटर्न रहेगा, नया सीट मिल जाएगा तो पहले वाला सीट आपका चला जाएगा। अब देखो बच्चों, नया सीट जो है पहले वाले सीट से अच्छा है या नहीं है ये मैटर करता है आपके चॉइस फिलिंग के ऊपर। और साथ में बच्चों, आप में से ऐसे बच्चे जो कि राउंड टू में पार्टिसिपेट करेंगे, राउंड टू में चॉइस नहीं करेंगे, देखो बच्चों से चॉइस नहीं करोगे तो आप लोग फंस जाओगे, क्योंकि बच्चों आपके पास उतनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, फर्स्ट टाइम काउंसलिंग कर रहे हो। सो बच्चों सभी के लिए हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा, क्लिक करके फीचर करके बाय कर लेना, जैसे ही बाय करोगे वैसे ही सबसे पहले हमारे टीम मेंबर आपको कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद कॉल पे आपके जितने भी डाउट होंगे उन सभी को क्लियर किया जाएगा, उसके बाद आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाएगा, जहां पे देख सकते हो कि 75+ स्टूडेंट हो चुके
चुके हैं, ठीक है। सो बच्चों जल्दी से बाय कर लो, और देखो बच्चों एक बार बाय करने के बाद आप लोग हमारे टच में आ जाओगे, आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइसमिंग करवाई जाएगी, आपको पर्सनल मेंटर प्रोवाइड करे जाएंगे, और बच्चों अभी से लेकर के लास्ट तक में हम आपके साथ रहेंगे। आपको बच्चों पर्सनलाइज चॉइसमिंग करवाने के बाद आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज एंड ब्रांच आपको लास्ट तक में मिल जाएगा, ठीक है। सो बच्चों जल्दी से बाय कर लेना, और देखो बच्चों ये सारे फीचर के लिए लोग काफी ज्यादा चार्ज करते हैं, ठीक है, 5,000-10,000 रुपीज चार्ज करते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पे काफी कम प्राइस में हो जाता है। पहले इसका प्राइस था 999 रुपीज, लेकिन अभी इसका प्राइस हो चुका है 1199 रुपीज, ठीक है। और देखो बच्चों ये प्राइस भी बहुत जल्द बढ़ने वाला है, सो बच्चों जल्दी से बाय कर लो। और देखो बच्चों अगर आप लोग सिर्फ आईपीओ का बाय करोगे उस केस में 1199 लगेगा, लेकिन अगर आप लोग मल्टीपल काउंसलिंग सपोर्ट बाय करते हो जैसे कि आईपीओ के साथ जैक दिल्ली या फिर आईपीओ के साथ कोई सा भी काउंसलिंग उस केस में काफी कम प्राइस में हो जाता है, क्योंकि कॉम्बो ऑफर लग जाता है, ठीक है। ऑल लिंक इज अवेलेबल डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, कोई और डाउट है कमेंट में बताना। अगर आप लोग सीट अलॉटमेंट के बाद इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट में बताओ कि आपको कोई सीट मिला है या नहीं मिला है। नहीं मिला है पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट जरूर बाय कर लो, अगर मिला हुआ है तो बताओ कि कौन सा सीट मिला हुआ है। टॉप मोस्ट मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है, उस केस में जैक दिल्ली में ट्राई करो, जैक दिल्ली का हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट आप लोग बाय कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका रैंक अच्छा है तो डी2 एनएसटी में जाओ, आईपीओ में क्या कर रहे हो, है ना, ये चीज है। और बच्चों अगर अच्छा सीट नहीं मिला हुआ है तो बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, तो हमारा आईपीओ का पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट बाय कर सकते हो, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई और डाउट है कमेंट बता देना, चैनल फर्स्ट टाइम आए हो सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद जय।